प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 60 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कुंवर बाई माता को नाम, उत्तम कायथ उमर कोट गाम। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सबों को देने देह धरी। उनकी माता का नाम कुंवर बाई था। उमरकोट नगर के उत्तम कायथ कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। वहाँ से श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी आए। समस्त संसार को अखंड सुख देने के लिए ही उन्होंने मानव देह धारण किया है। इन इत आए करी बड़ी खोज, चाहे धनी को मूल संजोग। अंग मूल उपजी ए दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। उन्होंने इस संसार में आकर परमात्मा तत्व की बड़ी खोज की। वे धाम धनी के साथ के संबंध की पहचान करना चाहते थे। उन्होंने शास्त्रों एवं मत मतांतरों में खोज करते हुए अनेक साधनाएं की, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। 14 बरस लो निष्ठाबंध, वचन ग्रहे सारी सनंद। कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। नौतनपुरी जामनगर में उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत का स्मरण किया और उसके सार तत्व को आत्मसात किया। उन्होंने 40 वर्ष पर्यंत जप तप व्रत एवं नियमों का पालन किया। मूल स्वरूप परमात्मा के प्रति स्नेह रखते हुए प्रेम पूर्वक सेवा की। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसोटी करी दुलहीन, सो कारण हम सब संयन। उन्होंने अनेक साधनाओं से अपनी देह को तपाया, किंतु परमात्मा की प्रेम सेवा में कमी आने नहीं दी। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी श्री श्यामा जी ने इस संसार में आकर कई कसौटियाँ की। उन्होंने यह हम ब्रह्मात्माओं के लिए किया है। पिया जी किए अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन। तारतम बात वतन की कही, आप धनी धाम धनी सब सुध दई। अपने प्रेम और सेवा से उन्होंने धाम धनी को प्रसन्न किया। पर ब्रह्म आर्मात्मा ने उन्हें 3 बार दर्शन दिए और पाताल से लेकर परम धाम तक का तारतम्य समझाते हुए तारतम ज्ञान देकर परम धाम का रहस्य खोल दिया। उनकी आत्मा का स्वरूप बताते हुए श्री निजनाम श्री कृष्ण जी कहकर अपना परिचय दिया और सब प्रकार की शुद्धि दी। धरयो नाम बाई सुंदर, निज वतन देखाया घर। इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी की परात्मा का सुंदर बाई बताकर उनको मूल घर परमधाम का दर्शन करवाया। धाम धनी ने उन पर बहुत बड़ी दया की और स्वयं उनकी अंतरात्मा में विराजमान हुए। दियो जोस खोले दरबार, देखाया सुन के पार। ब्रह्म सृष्टि मिने सुंदर बाई, ताको धनी जिए दई बड़ाई।
सब संयोमी ने सिरदार, अंग याही के हम सब नार। श्री धाम धनी जी की अरधंग, सब मिल एक स्वरूप एक अंग। श्री कृष्ण जी ने अपना जोश देकर परम धाम के द्वार खोल दिए और शून्य निराकार से परे अक्षर और उससे भी परे परम धाम को अपना घर बताया। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियों में सुंदरबाई को धाम धनी ने बहुत बड़ा महत्व दिया। श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप होने से वे सब ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि हैं। हम सभी आत्माएं उनकी ही अंग स्वरूपाएँ। श्री श्यामा जी धाम धनी जी की अर्धांगिनी हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी एवं समस्त ब्रह्मात्माएं सब मिलकर एक ही स्वरूप और एक ही अंग है। श्री धाम लीला बैंकुंठ अखंड, ब्रजरास लीला दो ब्रह्मांड। ये सब हृदय में चढ़ आए, जो आत्म अनुभव होत सदाए। इस प्रकार अखंड परम धाम की दिव्य लीलाएं नित्य वैकुंठ, काल माया तथा योग माया दोनों ब्रह्मांड के व्रज तथा रास की दिव्य लीलाएं श्री देवचंद्र जी के हृदय पटल पर अंकित हो गई। उनको ऐसा लगा कि मेरी आत्मा इन सब का नित्य अनुभव करती है। अब एकेते कहूँ प्रकार, निज धाम लीला नीत बड़ो विहार। अक्षरातीत लीला किशोर, इत संया सुख लेवे अति जोर। परम धाम की लीला एवं वहाँ के नित्य विहार का महत्व बहुत बड़ा है। उसका वर्णन कहाँ तक करूँ। वहाँ पर अक्षरातीत की किशोर लीलाएँ होती हैं। उन लीलाओं में ब्रह्म आत्माएँ अपार आनंद का अनुभव करती हैं। मोहल मंदिर को नाही पार, धाम लीला अति बड़ो विस्तार। इन लीला की काहू ना खबर, आज लगे बिना इन घर। परम धाम की अखंड लीला का विस्तार बहुत बड़ा है। वहाँ के भवन एवं मंदिरों का पारावार नहीं है। परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त आज तक किसी को भी यह लीला का ज्ञान नहीं था। ब्रह्म सृष्ट बिना न जाने कोए, ए सृष्ट ब्रह्म थे न्यारी न होए। सो निध ब्रह्म सृष्ट ल्याया ईत, ना तो ए लीला दुनिया में कीत। ब्रह्मात्माओं के बिना इस घर की रहस्यमय लीला को कोई भी जान नहीं सकता, और ये ब्रह्मात्माएं कभी भी अपने धाम धनी से अलग नहीं होती। परम धाम की इस अलौकिक निधि को ब्रह्म आत्माएँ ही इस संसार में ले आई हैं। अन्यथा इस झूठी दुनिया में यह अखंड वस्तु कैसे आ सकती थी। ए बानी धनी मुख थे कहे, सो ए दुनिया क्यों कर लहे। गांग जी भाई मिले इन अवसर, तीन ए बचन लिए चित धर। इस प्रकार की वाणी सतगुरु ने अपने श्रीमुख से कही है, उसे इस संसार के लोग कैसे ग्रहण कर सकते। ऐसे में श्री गांग जी भाई सतगुरु के चरणों में पहुँचे। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस वाणी को हृदयगम किया। कर विचार पूछे बचन, नी के अर्थ लिए जो इन। जब समझाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। सतगुरु के वचनों पर विचार करते हुए उन्होंने अनेक प्रश्न भी पूछे और उनके अर्थ को भी हृदयगम किया। जब उन्हें परम धाम की बातें समझ में आई, तब उन्होंने पर धाम धनी को सतगुरु के रूप में पहचाना। अपने घरों में लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित ल्याए।
स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी। गांगजी भाई ने सतगुरु को अपने घर में बुला लिया और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी सेवा की। इस प्रकार सतगुरु को साक्षात धाम धनी समझकर गांगजी भाई ने स्नेहपूर्वक उनकी सेवा की। तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपना साथ। मायामी ने आई सृष्ट ब्रह्म, सो बुलावन आए हम। प्राणनाथ स्वरूप सतगुरु ने गांगजी भाई को अपने श्रीमुख से कहा, हमें सुंदर साथ यानी ब्रह्म आत्माओं को खोज निकालना है। ब्रह्म सृष्टियाँ इस माया में खेल देखने के लिए आई हैं, इसीलिए उन्हें बुलाने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्ट लेने घर धाम। तब गांगजी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के बचन। हमारा यहाँ पर मात्र इसी उद्देश्य से आना हुआ है कि ब्रह्म आत्माओं को अपने घर परम धाम ले जाना है। यह सुनकर गांगजी भाई के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार के इन वचनों पर कौन विश्वास करेगा। कहया ब्रह्म सृष्ट क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी। मोह जल पूर तीखा अति जोर, नख अंगूरी को ले जाए तोर। गांगजी भाई पुनः कहने लगे, ब्रह्मात्माएं इस जगत में कैसे मिलेंगी और आपका अनुसरण कैसे कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ तो मोह जल का प्रवाह अत्यंत तीव्र है। वह नख मात्र के स्पर्श से होने पर भी उंगली को तोड़ देता है। तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा न रहने पावे कोए। लहरे पर लहरे मारे घेर, माहे तेत भमरिया फेर। इस मोह सागर में पर्वत के समान काम क्रोध लोभ मोह आदि की ऊंची ऊंची लहरें उठा करती है, इसीलिए इनमें कोई भी खड़ा नहीं रह पाता। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर प्रहार करती है और बीच बीच में सत्व रज एवं तम इन गुणों की भंवरी भी फिरती रहती है। आड़े टेढ़े माहे बेहबट, विकाल जीव माहे विकट। दुख रूपी सागर निपट, किनार बेट न काहूं निकट। मोह सागर की ये तेज लहरें कोई ऊंची है कोई तिरछी है, इसके अंदर भयंकर जीवों के समान ईर्षा द्वेष आदि मानव को मृत्यु की ओर घसीटते हैं। इस निपट दुख के महासागर का कोई किनारा तथा टापू निकट दिखाई नहीं देता। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 80 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।